हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तीन कहानियाँ सुनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे एवरेज लोग जो हैं वो लाइफ में राइट स्टेप्स लेके, राइट डिसीजन लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और कैसे हाईली इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड लोग जो है वो डाउट्स का शिकार होकर पीछे रह जाते हैं। पहली कहानी ये है कि तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पाकिस्तान से एक भाई ने अप्रोच किया, सवात से, और बोला कि सर मैं दुबई आना चाहता हूँ, मुझे जॉब सर्च करनी है, मुझे कंसल्टेशन सेशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने उनको कंसल्टेशन सेशन दिया 1 घंटे का, जिसमें मैंने उन्हें सारी टेक्निक्स बताई, चीज़ें बताई कि दुबई में जॉब सर्च कैसे करते हैं, आपको ये ऑप्शन किस तरह परसू करना चाहिए। और उस कंसल्टेशन सेशन के बाद मैंने उनकी CV बनाई, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं कंसल्टेशन सेशन देता हूँ तो उसके अंदर मैं अपनी CV बनवाता हूँ। CV मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लोग समझते हैं कि वो 1 घंटे का काम है, उसमें 9 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि जब एक बार मुझे CV आती है, मैं उसमें हाईलाइट करता हूँ उसमें क्या चेंजेस हैं, आपने क्या करना है, फिर वो उनको चेंजेस करके भेजते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ, इस तरह 7-8 बार आगे पीछे होता है, और फिर जाकर उनकी प्रॉपर रिज्यूमे बनता है। उन भाई को जो जो मैं उनको बताता रहा, उन्होंने प्रॉपर चेंजेस की, और तकरीबन 10-15 दिन के अंदर एक बहुत ही अच्छा रिज्यूमे उनका बन गया। उसके बाद जो मैंने उनको कंसल्टेशन के दौरान बताया था कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, उस बंदे ने प्रॉपर तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी की। उसके बाद तकरीबन 2 महीने पहले की बात होगी कि उन्होंने दोबारा मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बताया, नबील भाई मेरे बेसिक्स कंप्लीट हो गए, रिज्यूमे मेरा प्रॉपर बन गया, इंटरव्यू की तैयारी हो गई है, अब आप मुझे बाकी चीज़ें बताएं। फिर 1 घंटे का कंसल्टेशन सेशन लिया, जहाँ पे फिर मैंने उन्हें नेटवर्किंग की टेक्निक्स बताई और बाकी सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन की कि आपने यहाँ पे कैसे आना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, किस तरह जॉब सर्च करनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। वो सेशन लेने के 10 दिन के बाद वो बंदा यहाँ पे आ गया, और आने के जब आया तो ऑब्वियसली फिर मुझसे मुलाकात हुई, कुछ मेरे गिफ्ट से भी लेके आया था, मैंने शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद उस बंदे ने जो जो मैंने बताया था उसने उसी तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया, जो शेड्यूल मैंने बताया था, जो नेटवर्किंग की टेक्निक्स मैंने बताई थी, जो जो बातें मैंने बताई थी, उस बंदे ने उसी तरीके से वो चीज़ एग्जीक्यूट की। तकरीबन 1 महीने के बाद उस बंदे की मुझे कॉल आती है कि सर यहाँ की एक FMCG कंपनी के अंदर मेरी जॉब हो गई है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। और मेरे सामने बड़ा क्लियर था कि किस तरह एक बंदे ने प्रॉपर तरीके से स्टेप्स लिए राइट डायरेक्शन के अंदर और जॉब ले ली बंदे ने। और कहाँ का बंदा था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोई बड़े शहरों का बंदा नहीं था, एक नॉर्मल से एरिया का बंदा, नॉर्मल सी कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ बंदे ने सही डायरेक्शन में सही स्टेप्स लिए और बंदे की जॉब हो गई। अब मैं आपको दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। 1 महीने पहले की बात है कि कराची के एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया और बताया मुझे कि सर मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे और पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो गया, जॉब नहीं मिली जाके, और मुझे लगता है कि रिलेटिव वगैरह हेल्प करते हैं, दोस्त वगैरह हेल्प करते हैं, मेरी किसी ने यहाँ पे हेल्प नहीं की और मेरी फ़्लाइट में बस 2 दिन रह गए, मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा ठीक है आपका टूर तो वेस्ट हो गया, मैं रिकमेंड करूँगा आप एक सेशन ले लें। उसके माइंड में भी शायद यही था। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ से वापस जा रहे होते हैं फिर वो कहते हैं यार अब क्या फ़ायदा, अब तो खैर जॉब मिली नहीं है, वापस चले जाते हैं। लेकिन उस बंदे ने जाने से 2 दिन पहले मुझसे सेशन लिया, जहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि पहली बात तो ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है लाइफ से। अगर आप ये समझते हैं कि आपके यहाँ पे कोई फ्रेंड सर्कल है वो आपकी हेल्प करेगा, आपके रिलेटिव्स आपकी हेल्प करेंगे, या कोई और तीसरा बंदा आपकी हेल्प करेगा ज़िंदगी में, तो इसका मतलब है कि आप अभी लाइफ के पहले उसूल को ही नहीं समझे। तो अगर आपको ज़िंदगी में आगे जाना है तो अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें, अपनी लर्निंग्स के ऊपर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दें और निकल जाएं इस क्वाड्रेंट से, अगर आपकी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए कोई हेल्प करेगा। तो ये चीज़ पहले मैंने एक्सप्लेन की, और उसके बाद मैंने उसको समझाया कि आपके 2 महीने यहाँ पर गुजार दिए, लेकिन अब जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ आप उस तरीके से करो, मैं आपकी CV बनवाता हूँ, आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप वो करो। उस सेशन के दौरान मुझे लग नहीं रहा था कि ये बंदा बहुत सीरियसली काम करेगा, बट अप टू माई सरप्राइज के बंदे ने जाने के फौरन बाद मुझसे कॉन्टैक्ट किया कराची पहुंचने के बाद, और फिर मैंने उसकी CV बनवाई और बंदे ने 10 दिन तक प्रॉपर जो जो मैं बताता रहा, क्योंकि CV बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एज आई सेड कि बहुत सारी चीज़ें मैं उसको बताता हूँ, मैं उस वक्त तक उससे हटता नहीं हूँ जब तक मुझे लगता है कि यार ये परफेक्ट कॉम्पेटिटिव रिज्यूमे नहीं है। तो जो जो मैं बताता कि वो बंदा उस तरीके से करता है कि, और 10 दिन के बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पेटिटिव रिज्यूमे उसका निखर के सामने आ गया। उसके बाद फिर उसने इंटरव्यू की तैयारी की, और अभी परसों रात में उस बंदे ने मुझसे दूसरा सेशन लिया, जहाँ पे उसने मुझे CV तो मैं ऑब्ली की रिव्यू कर चुका था, मैंने ही बनवाई थी,
उसने मुझे इंटरव्यू की, जो उसने तैयारी की थी वो उसने बताई। एक इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया, मैंने उसका इंटरव्यू लिया और उसके बाद मैंने बाकी नेटवर्किंग की टेक्निक्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने बताई। और इंशाल्लाह उसने मुझे बताया कि वो एक या दो हफ्ते के अंदर वो यहाँ पे आ रहा है दोबारा जॉब सर्चिंग के लिए, और इस टाइम ही इज़ कमिंग हेयर विद विद कॉम्पिटिटिव रिज्यूमे विद बेटर प्रिपरेशन। इंटरव्यू का उसको पता है कहाँ रहना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, Beth.com पे क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, तमाम चीज़ें उसको पता है। ये दूसरी एग्जाम्पल है ऐसे बंदे की कि जो एक नॉर्मल एवरेज बैकग्राउंड से है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल सेट भी नहीं है उसके पास। बट जैसे मैं हमेशा सक्सेस को एक्सप्लेन करता हूँ कि यू हैव टू कीप टेकिंग द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, सूनर और लेटर यू विल गेट देयर। तो उस ये दो एक स्टोरीज हैं, एक बंदे ने वो काम किया उसको जॉब मिल गई, और दूसरा बंदा रादर देन सेइंग कि मेरे 2 महीने यहाँ पे वेस्ट हो गए, उस बंदे ने राइट मेंटोरिंग ली, राइट स्टेप्स लिए और आई एम श्योर दैट सूनर और लेटर ही विल गेट द जॉब। तीसरी स्टोरी ये है कि मैं अभी परसों रात में बैडमिंटन खेल के वापस आ रहा था, जैसे ही मैं आगे गाड़ी में बैठा तो मुझे बंदे की कॉल आती है कि सर मैं आपको यूट्यूब से फॉलो करता हूँ, और काफ़ी उसने मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया। उसने बोला कि आपकी वीडियोस देख के, आपकी मोटिवेशन देख के, जो आपने बताया था कि वीडियो में क्या करना है कैसे करना है, मैं यहाँ पे आया था और 5 महीने पहले मेरी जॉब लग गई, यहाँ पे एक स्कूल है अच्छा उसके अंदर एज एन इंग्लिश टीचर। तो मैं 4-5 महीने से, मैं आपको पहले भी कॉन्टैक्ट किया था नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आपको सिर्फ थैंक यू के लिए कॉल कर रहा हूँ। और वही लोग फिर करते हैं कि आपको ट्रीट देनी है और वो सब चीज़ें, तो मैंने खैर उसका बहुत मुझे अच्छा लगा, शुक्रिया अदा किया मैंने उसका। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मुझे अक्सर इस तरह की कॉल आती हैं कि सर आपकी आपकी वीडियो देख के कॉल वगैरह लग गई। अब ये 3 स्टोरीज मैंने आपको क्यों बताई हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। मुझे आज भी डेली बेसिस के ऊपर मैसेजेस आते हैं, सर हमारी CV बना दें, सर हमारी जॉब लगवा दें, सर हमें मेरा ये एक्सपीरियंस है बताइए मैं क्या करूँ। और मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ कि यार प्रॉब्लम इज मैं चाहता हूँ आप लोगों की हेल्प करूँ, इसीलिए मैं जो जो मेरे जहन में होता है मैं वीडियोस बना के डालता रहता हूँ ताकि आपको एक जेनेरिक आइडिया मिल जाए। लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इंडिविजुअली लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तो बहुत सारे जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि लोग ऑब्वियसली अपनी CV सबसे पहले शेयर करते हैं, मैं देखता हूँ अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा एक्सपोजर है, अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं, लेकिन सिर्फ इस डाउट का शिकार हैं कि नबील भाई कहीं फ्रॉड ना निकले, नबील भाई से कंसल्टेशन ली तो क्या फ़ायदा होगा। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट है, मसला ही नहीं है यार हमारा तो एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त है, हम यहाँ पे आएंगे तो हमारी आराम से जॉब लग जाएगी वगैरह वगैरह। तो क्लियर 2 डाइवर्जन है, एक तरफ नॉर्मल लोग हैं, एवरेज लोग हैं जो देखते हैं कि हाँ यार ये बंदा हमारे लिए वैल्यू ऐड कर सकता है, और जो मैं फिर उनको बताता हूँ वो ये नहीं कहते कि सर 4 बार तो CV बना चुके हैं अब भी आप चीज़ें बता रहे हैं, बल्कि वो समझते हैं कि CV मेकिंग इज़ अ प्रोसेस और वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं भले उनको अच्छा लगे या ना लगे, विद द एक्सपेक्टेशन कि ये उनको CV इनको जॉब लेने में हेल्प करेगा। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका है जिनको मैं हाईली इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, सेंसिबल, एजुकेटेड मानता हूँ, और वो सिर्फ इस डाउट के अंदर रह जाते हैं कि यार पता नहीं क्या करेंगे, ये सेशन में क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा। हालांकि एक राइट बंदे से 1 घंटे बात करना, राइट मेंटोरिंग लेना, चीज़ों को समझना, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, आपके माइंड के कहां से कहां आपको लेके जा सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकता है, आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आपने क्या करना है। वो एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट The स्मार्ट पीपल आर फुल ऑफ डाउट्स वेयर एज द एवरेज पीपल आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और वाकई में मुझे ये नज़र आता है कि जितने भी स्मार्ट, लॉजिकल इंडिविजुअल्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कुछ तो अच्छे हैं, कुछ तो स्मार्ट हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक, मैं 150 कंसल्टेशन सेशन दे चुका हूँ, बड़े स्मार्ट स्मार्ट लोग थे, आए प्रॉपर मेंटोरिंग ली, 1 नहीं 2 नहीं 3 3 सेशन लिए, समझा अच्छे तरीके से चीज़ों को कैसे करना है, और अभी उनको सेटल हुए भी पता नहीं कितना अर्सा हो चुका है। और बाकी लोग जो है ना वो अभी तक सोच रहे हैं पता नहीं यार लेना चाहिए सेशन, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए दिस एंड दैट। तो ये 3 स्टोरीज मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई थी कि जब आप अभी सोच रहे हैं ना कि आपने क्या करना है और किस तरह करना है, तो जो एवरेज लोग हैं, एवरेज नहीं बोलना चाहिए उनको, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, सिर्फ जिंदगी में राइट स्टेप्स लेके यहाँ पे सेटल्ड भी हो चुके हैं और यहाँ पे अपनी बहुत अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। बस आज की सिर्फ वीडियो में सिर्फ यही बातें करनी थी आप सब।